शब्बीर अहलूवालिया एक भारतीय अभिनेता है जो टीवी शोज, वेब सीरीज और बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय करते आए हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1999 में की थी। शब्बीर ने टेलीविजन शो हिप हिप हुर्रे से डेब्यू किया था। शब्बीर अहलूवालिया को सबसे ज्यादा लोकप्रियता टीवी शो कुमकुम भाग्य में अभी का किरदार निभाने के लिए मिली। उन्होंने दो बॉलीवुड फिल्मों और एक वेब सीरीज में भी काम किया है। इसके अलावा वो रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करते हुए और एक्टिंग करते हुए भी नजर आते हैं। आज की वीडियो में हम शब्बीर अहलूवालिया से जुड़े बहुत सी चीजें जानेंगे उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके परिवार के बारे में और उनकी पत्नी के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे उनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में और पूरे एक्टिंग करियर पर भी एक नजर डालेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट लगातार मिलते रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। विशेष बातचीत के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। शब्बीर अहलूवालिया का जन्म 10 अगस्त 1979 को मुंबई में हुआ है। वह मिक्स्ड धार्मिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता सिख थे और माँ कैथोलिक है। अहलूवालिया के दो भाई बहन हैं जिनका नाम शेफाली अहलूवालिया और समीर अहलूवालिया है। इनके पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे और इनकी माँ एक एयर होस्टेस थी। अपनी स्कूली शिक्षा उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से पूरी की है। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मैरीलैंड यूनिवर्सिटी USA से अपनी ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं शब्बीर अहलूवालिया के पूरे एक्टिंग करियर के बारे में। शब्बीर अहलूवालिया को लोकप्रिय धारावाहिक कुमकुम भाग्य में अभिषेक प्रेम मेहरा की भूमिका के लिए जाना जाता है। अहलूवालिया ने कई अन्य सफल टीवी शो में भी अभिनय किया है जिनमें प्रमुख है क्योंकि सास भी, कभी बहू थी, कहीं तो मिलेंगे और कसम से। टीवी शोज में अपने काम के अलावा अहलूवालिया ने कुछ फिल्मों में भी अभिनय किया है। फिल्म में उनको सबसे बेहतरीन भूमिका साल 2007 की एक्शन थ्रिलर शूटआउट एट लोखंडवाला में मिली थी। इसके अलावा शब्बीर अहलूवालिया फिल्म मिशन इस्तांबुल और लागी तुझसे लगन में भी नजर आ चुके हैं। शब्बीर अहलूवालिया मल्टी टैलेंटेड है जो विभिन्न प्रकार के किरदारों को प्रभावशाली ढंग से निभाने में सक्षम है। वह एक टैलेंटेड डांसर और शो होस्ट भी है। साल 2009 में उन्होंने रियलिटी शो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी का तीसरा सीजन भी जीता था। उन्होंने नच बलिए और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया तोड़ेगा सहित कई अन्य टीवी शो को होस्ट भी किया है। शब्बीर अहलूवालिया इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक लोकप्रिय और सम्मानित अभिनेता है। उन्होंने अपने बेहतरीन एक्टिंग के लिए कई सारे पुरस्कार जीते हैं जिनमें पसंदीदा जोड़ी के लिए जी रिश्ते अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ ऑन स्क्रीन जोड़ी के लिए इंडियन टेली अवार्ड और नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए इंडियन टेली अवार्ड शामिल है। इन्होंने कई सारे टीवी शोज में काम किया है जिनमें प्रमुख है क्योंकि सास भी, कभी बहू थी, क्या हादसा क्या हकीकत, कहीं तो मिलेंगे, काव्यांजलि, कसम से, कसौटी जिंदगी के, कयामत, लागी तुझसे लगन और कुमकुम भाग्य। फिलहाल वो अपने नए शो प्यार का पहला नाम राधा मोहन में अभिनय कर रहे हैं और इस शो को काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। इसके अलावा इन्होंने फिक्सर नाम की एक वेब सीरीज में भी काम किया है जिसे आप G5 और ओल्ड बालाजी पर देख सकते हैं। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि टीवी शो प्यार का पहला नाम राधा मोहन में शब्बीर अहलूवालिया का किरदार कैसा है। GTV पर टेलीकास्ट होने वाला शो राधा मोहन जब से शुरू हुआ है TRP लिस्ट में टॉप 10 में शामिल है। शो में राधा का किरदार जहाँ निहारिका रॉय निभा रही है वहीं शब्बीर अहलूवालिया बने हैं उनकी प्रेमिका। आपको जानकर हैरानी होगी कि निहारिका और शब्बीर की उम्र में बहुत ज्यादा फासला है। दोनों के बीच 22 साल का एज गैप है। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जा रहा है। दोस्तों शब्बीर अहलूवालिया शादीशुदा है तो आइए जानते हैं शब्बीर अहलूवालिया और कांची कौल की प्रेम कहानी। टीवी शो कुमकुम भाग्य में अभिषेक प्रेम मेहरा के किरदार से मशहूर हुई शब्बीर अहलूवालिया के रियल लाइफ पत्नी भी एक टीवी एक्ट्रेस ही है। शब्बीर अहलूवालिया की पर्दे पर भले ही कई एक्ट्रेस के साथ जोड़ी बनी लेकिन रियल लाइफ में उनके दिल में सिर्फ एक ही ने जगह बनाई और वो है कांची कौल। शब्बीर अहलूवालिया और कांची कौल की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। ऐसा कहा जाता है कि एकता कपूर की वजह से उन दोनों की मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात में पहली ही नजर में शब्बीर को कांची से प्यार हो गया था लेकिन अपने लेडी लव को मनाने के लिए उन्होंने खूब पापड़ भी बेले थे। कुछ समय तक डेटिंग के बाद शब्बीर अहलूवालिया ने साल 2011 में कांची कौल से शादी कर ली थी। उनके दो बच्चे हैं जिनके नाम अजाई और इवर है। शब्बीर अहलूवालिया की पत्नी बहुत खूबसूरत है, वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है। शब्बीर की पत्नी कांची कौल TV की जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी है। कांची ने मेरी भाभी, एक लड़की अनजानी सी और भाभी जैसे टीवी शोज में सफलतापूर्वक एक्टिंग किया है। इस वक्त कांची कौल TV से दूर है, एक्टिंग से दूर है। वहीं हाल ही में शब्बीर ने कुमकुम भाग्य को छोड़ दिया है और वह इन दिनों TV शो राधा मोहन में दिखाई दे रहे हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं शब्बीर अहलूवालिया की सोशल मीडिया पर उपस्थिति। शब्बीर अहलूवालिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिलहाल 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। शब्बीर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। वहीं इनकी वाइफ कांची कौल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है।
दोस्तों सबीर अहलूवालिया की नेटवर्थ की बात करें तो साल 2023 में सबीर अहलूवालिया का नेटवर्थ करीब 18 करोड़ रुपए आंका गया है। अगर बात करें सबीर अहलूवालिया की हाइट की, सबीर अहलूवालिया की हाइट 5 फीट 9 इंच है और सबीर अहलूवालिया के आंखों का रंग डार्क ब्राउन है और बालों का कलर काला है। फिलहाल सबीर अहलूवालिया का वेट 65 केजी है। सबीर अहलूवालिया फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 3 के विजेता भी रह चुके हैं। एक्शन और स्टंट से भरे इस सीजन में सबीर ने अपने जाबाजी का परिचय दिया था। साल 2011 में हुए इस शो में सबीर ने आग वाली टनल से सबसे लंबी मोटरसाइकिल राइड करने में रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने क्लाइंट इविंग के बनाए 200 फीट के रिकॉर्ड को तोड़कर 224 फीट 8 इंच का नया रिकॉर्ड कायम किया था। उनके इस हैरतअंगेज कारनामे ने सबीर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया रेखा में भी जगह दिलाई थी। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी राधा मोहन सीरियल की फेमस एक्टर सबीर अहलूवालिया की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के अपडेट लगातार मिलते रहे। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। विशेष बातचीत के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जानकारी से भरे एक और नए वीडियो में। नमस्कार।